मिट्टी छापने के लिए तक जो घर की छवाई करते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, आंदा का मछली बोलते हैं, नदी मछली है। मछली कौन सा है? चाँव वाले की पहचान है, माथे पे गमछा, साइकिल, छाता, झोला बोलते हैं ना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फटोस ब्लॉग, मैं विराज प्रथम हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ हमारे सरगुजा के एक हॉट बाजार में और मैं आप लोगों को आज लेकर चल रहा हूँ सरगुजा के एक आदिवासी मार्केट। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था कि आदिवासी मार्केट घुमाऊंगा करके, तो आज दिन आ चुका है और आप लोगों को लेकर गांव वाले आते हैं और अपने साथ कुछ कुछ सामान लाते हैं बेचने के लिए, जिससे कि उन लोगों को पैसा मिलता है और उस पैसे से यहाँ मार्केट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लोग अभी आए हैं, वहाँ सामान तोलवाए हैं, सामान तोलने के बाद उन लोगों को पैसा मिलेगा और जैसे पैसा मिलता है उसके बाद उन लोग अपना बाजार करते हैं। हर गांव वालों में देखिएगा, गमछा एक कॉमन चीज़ है, झोला एक कॉमन चीज़ है और ये देख सकते हो बोरा और साइकिल, मतलब एक कॉमन चीज़ है गाँव वाले के लिए। गाँव एक दोस्तों गाँव वाले की पहचान ही है। एक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रोड के किनारे किनारे सेठ साहूकार रहते हैं और वे जो गांव के आदिवासी आते हैं उन लोग से सामान खरीद कर उनसे पैसा देकर, मतलब उनका अपना अलग ही काम है। अब चलिए हम लोग दोस्तों अंदर मार्केट के चल रहे हैं। इधर पे ही देखो यहाँ गुलेल वगैरह मिल रहे हैं और इधर कई लोग आए हुए हैं और ये महारानीपुर का मार्केट है दोस्तों, हमारे सरगुजा सीतापुर का। और जैसा कि इधर देख सकते हो, इधर गुलेल वगैरह मिल रहे हैं, ये हसिया है और क्या ही देखो, सांप की तरह फसूल है दोस्तों। कितना रेट है कर? 100 रुपये कर है। और ये हंसिया के 150 रुपया। अच्छा, बाहर के चल दे। और इधर आगे हम लोग दोस्तों लेकर चलता हूँ आप लोगों को, ये झाड़ू वगैरह मिल रहे हैं। दोस्तों इस मार्केट में की खासियत बताऊँ तो हमारे जो लोकल मार्केट में ज़रूरत के सामान, जो गांव में ज़रूरत के सामान होते हैं वे सब कुछ मिल जाते हैं। इधर फल वगैरह हैं, इधर देख सकते हो आप लोग चप्पल जूता वगैरह जो भी हैं। और इधर देखिए दोस्तों, यहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनी हुई हैं, लोग देख सकते हो तरह तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ। देखिए यहाँ भी दोस्तों तरह तरह की मिठाइयाँ हैं और इधर कपड़े की दुकान है। और चलिए हम लोग अभी अंदर चलते हैं, गांव के उपयोग के अनुसार यहाँ लोकल मार्केट में देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिल जाएंगे, टॉर्च वगैरह बरसात के दिनों में काफ़ी बिकते हैं। और यहाँ देखिए पूरा एक दुकान ही है समझो। ये देखिए दोस्तों, ये है लोकल खीरा और ये मक्का पूरा, ये सब ऑर्गेनिक मिल जाएंगे। क्या रेट है मक्का? मकई 20 रुपये किलो है। अच्छा, ज़रूरत के सामान, प्लास्टिक के सामान भी हम लोग के यहाँ मिल जाएंगे, बर्तन वगैरह भी हैं, रस्सी वगैरह। ये पूरा दुकान आप लोग देख सकते हो, चलता फिरता दुकान ही बोल सकते हो मार्केट में। और ये देखिए दोस्तों, ये है प्याज है, ये है ऑर्गेनिक प्याज, मतलब छोटा छोटा पूरा घर का ही है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ झाड़ू, झाड़ू का रेट बाबू 40 रुपया। अच्छा। और यहाँ आपको मनिहारी सामान भी मिल जाएंगे, गांव में ज़रूरत के सामान होते हैं महिलाओं को, सब सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे। कपड़े की दुकान भी ठीक उसी तरह से है। अब चलिए हम लोग इधर देखते हैं। भैया टमाटर कैसे रेट? 50 रुपये किलो है। ये देख सकते हो पान दुकान है तो नस्क। अच्छा, हाओ हाओ हाओ, पिछले बार मिले रहने आते दोस्तों, यहाँ जरूरत के सामान हम लगभग लगभग हमको सब कुछ मिल जाएंगे। और फिर भी अभी आपको सब्जी मार्केट की ओर लेकर चलता हूँ। तो ये सब लोकल केला मिल जाएंगे, सब लोकल टमाटर वगैरह हैं। ये यहाँ देखो मुर्री मिल रहा है और ये है मीठा, क्या बोलते हैं नैला, उखरा, उखरा। अच्छा, ये पूरा लाई है और ये देखो पूरा लाड़ू है। देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा ऑर्गेनिक खेती से किया गया, गांव वाला एकदम लोकल सब्जी भाजी बरबट्टी वगैरह सब कुछ मिल रहा है। चलो छाटो दीवारों, 40 रुपये किलो टमाटर लो। दोस्तों देखिए यहाँ पास कुछ खास आया है, ये देखो, ये मिट्टी छापने के लिए तक जो घर की छवाई करते हैं ना, क्या बोलते हैं रांदा वाला, रांदा दोस्तों इसको बोलते हैं रांदा। और इससे घर की जो मिट्टी के घर होते हैं ना उसको छापाई करते हैं। कैसे रुपया है? 110-120 रुपया। दोस्तों इस मार्केट में आप जो भी देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ
लोकल किसान लोग ही गांव के अगल बगल वाले ही आते हैं सामान बेचने के लिए लगभग लगभग, और ये सब लगभग लगभग ऑर्गेनिक वाले ही होते हैं, लोकल फूड है, कोई अलग से यहाँ इसको खरीद के लाते नहीं है बाहर से टमाटर वगैरह छोड़ के। और बाकी चलिए एक्सप्लोर करते हैं हमारा गाँव का आदिवासी ट्राइबल मार्केट। दोस्तों जैसे जैसे शाम होते जाएगा वैसे ही वैसे मार्केट में भीड़ होती जाएगी, क्योंकि जो आदिवासी जो मार्केट होता है वो सिर्फ सस्ता खोजते हैं। जैसे शाम होगा वैसे ही साग सब्जी के जो दाम है वो जाते जाते टाइम जो गांव वाले होते हैं वो थोड़ा जल्दी निकालने के चक्कर में सस्ते रेट में बेचते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो ट्रैवल मार्केट है वो अधिकतर शाम को ही ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए यहाँ शाम को लोग ज़्यादा आते हैं। किस रुपया ना भाजी? भाजी रुपया मुठा, 10 में 3 को। अच्छा, और ये मुरई साग? मुरई साग 40 रुपया, 40 रुपया किलो है। अच्छा, दोस्तों यहाँ देखो झाड़ू वगैरह बिक रहे हैं। झाड़ू मन का रेट है यार? 40 रुपया। और यहाँ देखो सूपा है, सूपा के साथ साथ झिलगी है, और झिलगी सबके क्या रेट है? सूपा 150 रुपया। तो काफी अच्छे अच्छे देखो यहाँ झिलगी है, झिलगे का यूज गाँव में किया जाता है। ये क्या चीज है भैया? ये बैल बांधने का गिरवा है। अच्छा, बैल बांधने का गेरवा है। और ये सब झिलगी वगैरह बांधने के लिए रखते हैं। अच्छा, झिलगी वगैरह में बांधने के लिए है। अच्छा, क्या क्या रेट है भैया ये सब? ये लगभग 60 रुपये जोड़ी का है, 50 रुपये जोड़ी का है। अच्छा, 40 रुपये जोड़ी का है, 30 रुपये जोड़ी का है। अच्छा अच्छा, 80 रुपये जोड़ी का है, 100 रुपये जोड़ी का है। अच्छा, 100 रुपये तक है। अच्छा ठीक है भैया। दोस्तों जैसे ही शाम हो गई है वैसे ही यहाँ भीड़ काफ़ी हो चुकी है। आदिवासी गांव जो मार्केट है वहाँ के जितने भी अगल बगल के हैं सब लोग अब आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ हो चुका है, पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। सेमी किसे भैया? 15 रुपया पाव है, 30 में आधा किलो। कितना में? 60 रुपये किलो है ना। वाह यार, यहाँ भाजी वगैरह मिल रहा है। ये क्या भाजी थी? कोहड़ा भाजी है। अच्छा, क्या कैसे है यार? सब कैसे है? 30 रुपया किलो। और बरबट्टी? 10 रुपया। और कोहड़ा कैसे काट के बेचा था तुम? 10 रुपया करे को है। काट के कैसे बेचा था तुम? अच्छा, काट के बेचता। अच्छा दोस्तों, यहाँ गांव के हिसाब से पूरा मनिहारी सामान मिल रहा है। इधर भी ठीक देख सकते हो, ये पूरा एरिया मनिहारी का ही है। इस एरिया में भी देखो पूरा मिल सकता है, मंगलसूत्र पायल वगैरह सब कुछ है। और ठीक, हम लोग आगे आते हैं तो आपको यहाँ ज़रूरत के सामान, जो लड़कियों के ज़रूरत के सामान है लगभग लगभग सब मिल जाएंगे। अगर इसमें आईना देखा जाए, तेल, साबुन, ताला है, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ जो है मनिहारी सामान आपको सब कुछ इसमें मिल जाएंगे। चलो को देखो आप लोग किस तरह से यहाँ पाकर मार्केट आते हैं। और दीदी वगैरह देखो कैसे सिर में सामान ढोई है। उधर अभी नए नए टबली हैं, मतलब गांव में ना एक अलग ही वाइब होता है मार्केट आने का। इधर भी देखो कई बार गांव में क्या करते हैं कि पटाते हैं, मतलब बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं इतना रुपया में देवे, इतना रुपया लगा, इस टाइप से। तो काफ़ी मज़ा आता है ऐसे मार्केटिंग को। बताया ही नहीं, मार्केट के जस्ट बगल में यहाँ मंदिर भी है, इसलिए यहाँ जो नॉनवेज वाले जो सामान मिलते हैं वो रोड में मिलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की नॉनवेज में क्या क्या मिलता है। ये देख सकते हो यहाँ झींगा मछली दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुछ सुखी मछली है। और दीदी कहाँ कर रहा? हाँ, नहीं छीन पा रहा था तनिक। कौन गांव के? बनिया कर हस। अच्छा, ये सब के का मछली बोलते हैं? ए नदी मछली है, ए है मछली है, और ये हो नदी मछली है, बहुत अच्छा मछली। अच्छा, और वो सुईली कौन सा है? ए सुईली। अच्छा, ये सब सुईली मछली है। फोटो खींचे का? अच्छा अच्छा, का का रेट कर है सब? 20 रुपया कर है। अच्छा अच्छा, और वो वाला है मछली का वीडियो बनाता है। अच्छा, और ये भी सब 20 रुपया कर है। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी, फिर उसी तरह से यहाँ मछली ब्रॉयलर वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ मिलता है, आप लोग देख सकते हो इधर। और ये जो सामने वहाँ मंदिर है उसके, इसलिए यहाँ पास रोड में नॉनवेज को रखा गया है, थोड़ा मंदिर से थोड़ा दूर रखे हैं।
दोस्तों, ये आज का ये ट्रैवल मार्केट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बीच बीच में ट्रैवल मार्केट मैं लेकर आते रहूँगा। हमारे सरगुजा मार्केट में जितने भी हैं वो सभी का मैं एक बार वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरगुजा में कौन कौन से जगह पे मार्केट बैठता है, कि मैं वहाँ जाकर आप लोगों के लिए ब्लॉग बना सकूँ और लोगों को दिखा सकूँ कि हमारा सरगुजा भी कोई कम नहीं है। क्योंकि हमारे जो सरगुजा मार्केट है उसको ज़्यादा लोग कवर नहीं करते हैं, लोग बस्तर की ओर भागते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे सरगुजा मार्केट जो हमारे गाँव के ट्राइब हैं, जो ट्राइबल हैं, वो सबको आगे लाऊँ, आपको सामने दिखाऊँ। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, सामने जो मंदिर दिखाई दे रही है ये देवर मंदिर है। और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ रामायणकालीन महाभारतकालीन मंदिर है। तो अभी तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा रहा, नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में जरूर दिखाऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो बाय बाय।